हे गाइस, वेलकम टू वाइल्ड रश। आज की इस वीडियो में मैं आपको मिलवाने वाला हूँ डेजर्ट के खूबसूरत तरीन रंग बिरंगे फूल से, जिसको आम जबान में गिरगट कहते हैं। तो अभी हम उसको पकड़ेंगे और बाकी की जो मालूमात है वो मैं उसको पकड़ने के बाद जो है शेयर करूँगा आपके साथ, आपको बताऊँगा। तो पकड़ते हैं उसको। तो ये देखें, ये है ब्रिलियंट ग्राउंड इगामा। हमारे एरिया में राजस्थान बॉर्डर के पास पाया जाने वाला एक खूबसूरत तरीन और मेरे लिए रेयर नायाब किस्म का ये जो है इगामा, जिसका हम कहते हैं गिरगट गिरगट, वो है। तो ये बाइट भी करता है। तो मैं इसको अभी, क्योंकि मेरा काम है, हमने जो चीज़ पकड़नी वो हाथ से ही पकड़नी है, तो मैं आपको बता दूँ कि इसको पकड़ना कैसे है। पहले अगर ये ज़मीन पर होता तो हमारे लिए इसको पकड़ना काफ़ी मुश्किल हो सकता था, इसके होल में जो है इसको पकड़ना था। तो अभी ऊपर बैठा है तो मेरे लिए इसको पकड़ना जो है काफ़ी आसान है। मैं क्या करूँगा, इसको मैं फ्रंट से पकड़ रहा हूँ और जो है बहुत ही खूबसूरत है ये। यस, तो ये रहा हमारा ब्रिलियंट ग्राउंड इगामा। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि इस जो है पौधे को, इस जड़ी, इस जो है झाड़ी को हमारी लोकल ज़ुबान में जो है करी का पौधा कहते हैं। इसके अंदर आपको सास कील वाइपर भी मिल सकते हैं। आपने इस लिहाज से भी मुहतात रहना है कि आपका जो है सास कील वाइपर से जो है सामना ना पड़ जाए। तो ये रहा हमारा आज का खूबसूरत तरीन फूल। तो अभी जो है मैं आपको इसकी डिटेल बताऊँगा। ये जो है तकरीबन ये 7 से 8 इंच के करीब है, लेकिन इनकी जो लंबाई, मैक्सिमम लंबाई होती है, ये 15 इंच के करीब जो है बढ़ सकते हैं, अपनी लंबाई को कर सकते हैं। तो इनकी बहुत सारी स्पेशीज होती हैं, पाकिस्तान में कई किस्म के जो पाए जाते हैं, लेकिन ये इसका जो नाम है मेरे हाथ में, ये जो है इसको कहते हैं ब्रिलियंट ग्राउंड इगामा। ये जो है ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, हर ग्रुप का एक जो है लीडर होता है, वैसे ही एक डोमिनेंट मेल होता है जो कि पूरे ग्रुप को लीड करता है। एक्चुअली जो है ये आपस में मेल जो है फाइट करते हैं, जो जीता है वो होता है ग्रुप का लीडर, डोमिनेंट मेल जिसको कहते हैं। बाकी जो होते हैं सब ऑर्डिनेट होते हैं, और ज़्यादा कसीर तादाद में जो होती हैं फीमेल होती हैं, ठीक है। तो ये फिर उनका हुक्मरानी करता है। इनकी कलर कोडिंग, इनका कलर जो है ग्रुप में इनकी पोजीशन और इनके जेंडर को शो करता है। जो फीमेल होती हैं वो ब्राउन और ग्रीन होती हैं, जो सब ऑर्डिनेट मेल होते हैं वो उनकी बॉडी जो होती है टोटली वो ब्लू होती है, ठीक है, या ग्रे होती है, रेड ब्लू, ठीक है, और येलो होती है, ठीक है। और उनका जो सर होता है, ये अभी भागने की कोशिश कर रहा है लेकिन इसको मैं भागने नहीं दूंगा, कहाँ गया। तो मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि इसका फोकस करें। तो ये जो है ये भाग चुका है, अब क्योंकि ज़मीन पे है इसको पकड़ना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो मैं बिल्कुल, ये देखें अभी इसने कलर जो, अभी कलर देखें, बेशक ये भाग जाए लेकिन आप कलर देखें, ये अभी इसने जो ख़तरा फील किया, इसका कलर जो है ब्लू और येलो हो चुका है, ठीक है। तो अभी इसको मैं पकड़ूँगा। ओ, भाग गया भाग गया भाग गया भाग गया। तो इसको पकड़ना जो है बड़ा किसी एडवेंचर से कम नहीं होता, लेकिन अगर ये किसी होल में चला गया तो ये जो है काफ़ी मेरे लिए फिर प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। चूँकि ये जो इसका जो है नेचुरल माहौल है, तो शुक्र है मेरी वीडियो जो है बन जाएगी। तो ये देखें अब इसका कलर देखें, कितना खूबसूरत है ये। अगर मेरे पास इतना हाई क्वालिटी कैमरा नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा दूँगा। ये देखें ब्लू हो चुका है और इसकी टेल जो है बिल्कुल ये येलो हो चुकी है। तो ये एक मेल है, ठीक है, फिलहाल इसको, क्योंकि फीमेल तो नहीं है वरना जो है इंटरेक्ट करने के लिए कलर शो करता। अब इसको ख़तरा फील हो रहा है इसलिए जो है अपने इसने कलर चेंज किए हैं। तो बाकी डिटेल जो है मैं आपको खड़ा होके या बैठ के ही, मेरे लिए तो बैठ, ये देखें अभी यहाँ पर अगर इस बिल में चला जाता तो मेरे लिए इसको पकड़ना फिर जो है काफ़ी मुश्किल होना था। तो जो डोमिनेंट मेल होता है उसकी ब्लू बॉडी और येलो और रेड उसका सर होता है, हेड होता है, ठीक है। अगर आप कहीं पे भी देख लें तो समझ लें कि आपने ग्रुप का लीडर देख लिया है। तो इनकी फुल बॉडी पे, इनकी टेल से लेके जो ये जो लेग्स हैं, हर जहाँ पे इनके स्केल होते हैं, ठीक है, मैं फील कर सकता हूँ बिल्कुल कांटेदार, ठीक है। अगर मैं ऐसे ऊपर जो स्कर्ब करूँ तो मुझसे नहीं होगा क्योंकि ये मुझे चुभेंगे, ठीक है। अभी ये भागने की कोशिश कर रहा है। अब मैं आपके बड़ी इंटरेस्टिंग सी मालूमात बताऊँगा, वो ये
करके ये वाहद ऐसा रेप्टाइल है, वाहद ऐसा जानदार है जो 360 तक अपनी आँख जो है रोटेट कर सकता है। इन्हीं की वजह से जो हमारे सिक्योरिटी कैमराज हैं वो इन्वेंट हुए हैं इनको मतलब के देखते हुए, इनके ऊपर रिसर्च करते हुए। तो अब मैं आपको बताऊँगा ये खाते क्या हैं। ये हर किस्म का छोटा इंसेक्ट खा जाते हैं, इनको बिच्छू खाते हुए भी देखा है, ठीक है। अभी ये भागने की कोशिश कर रहा है। ये कैटरपिलर खा जाते हैं, छोटे वर्म्स वगैरह खा जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो बहुत सारे लोग जो हैं अपने गार्डन्स में इनको पालते हैं, बड़े शौक से इनको रखते हैं, अपने लॉन्स में रखते हैं, क्योंकि उनके लॉन्स को जो बड़े कीमती और खूबसूरत से पौधे होते हैं उनको हर बहुत सारी किस्म के जो हैं कीड़े मकोड़े जो हैं नुकसान पहुंचाते हैं। वो बहुत सारे लोग बहुत ही किस्म की जो है स्प्रे वगैरह जो है मेडिसिन वगैरह डालते हैं पौधों पर, लेकिन वो बेअसर होती हैं। लेकिन अगर आपके गार्डन्स में, अगर आपके लॉन्स में ये हैं तो आप बेफिक्र हैं, किसी भी किस्म का जो कीड़े मकोड़े, किसी भी तरह के जो हैं छोटे जो है इंसेक्ट वगैरह आपके पौधों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि ये उनको खा जाते हैं। यस, तो मैं आप बता दूं, जो फीमेल होती हैं वो जून से सितंबर तक, ठीक है, वो जो है उनका मेटिंग सीज़न होता है, अंडे देती हैं। वो ज़मीन में 2 इंच के करीब जो है थोड़ा छोटा सा होल निकाल के 2 से 20 अंडों के करीब जो है वो अंडे देती हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है उनकी स्पेशियस से, वो किस स्पेशियस से ताल्लुक़ रखती हैं, ठीक है। और जो है इनको अंडों से बच्चे निकलने में 1.5 महीने से जो है 4 महीने तक लगते हैं। मैं आपको फिर बता दूं, ये इतना अरसा जो है, इतना जो है हैचिंग का जो है पीरियड है वो इनकी स्पेशियस पे डिपेंड करता है कि इसकी कौन सी स्पेशियस है, ठीक है। तो इनका लाइफ जो साइकिल होता है, लाइफ टाइम जो लाइफ पीरियड होता है वो बहुत लंबा होता है, वो होता है तकरीबन 25 से 28 साल तक। बिल्कुल, ये जो है छोटी सी छिपकली, ये जो आपको गिरगिट नज़र आ रहा है, ये जो है 25 से 28 साल तक ज़िंदा रह सकते हैं। ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये अगर किसी का शिकार करते हैं ये भी किसी का शिकार हो जाते हैं। इनको ईगल्स और सांप बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन इनका जो मेन शिकारी है वो सांप है। तो ये भागने की कोशिश कर रहा है बार बार। तो ये थी ब्रिलियंट ग्राउंड इगामा के बारे में एक शॉर्ट और ऑथेंटिक सी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वाइल्ड रश, तो आपको इसी तरह की मज़ीद रेप्टाइल्स के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। मैं आपको इन रेप्टाइल्स को पकड़ने का तरीका बताता हूँ मेरे चैनल में जाएं और जो है मेरी वीडियोस से लुत्फ़अंदोज़ हों, और लाइक कमेंट शेयर मस्त कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और जगह पे, किसी और लोकेशन के साथ, किसी और रेप्टाइल और जानदार एनिमल रेप्टाइल्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं इसको रिलीज़ करता हूँ। बाय बाय। तो बाय।